उपहास किया जा रहा है, उस उपहास को हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके लिए हनुमान चालीसा इस कलयुग में सबसे शक्तिशाली बजरंग बली है, और इनका गदा चलेगा तो उपहास करने वाले लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। एक लाख हनुमान चालीसा हम लोग बांट चुके हैं एक महीने में, और 10 लाख और बांटना है, और ये प्रतिक्रिया एकदम नित्य दिन चालू है, और मंगलवार शनिवार को ये बटता रहता है। आप लोगों को जगाने की बात करें, उधर राजद के दो दो नेता हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं सनातन के ऊपर। जिसका मति भरनष्ट हो गया है उसको आप क्या कहिएगा, मूर्खता आ गया है वो लोग के दिमाग में, वो लोग के दिमाग में चढ़ गया है कि टीका लगाने वाले से हमें अपमान होता है, छुआछूत का भेदभाव वो टीका लगाने वाले से कर रहे हैं, तो ये गलत है। टीका लगाने वाले हर व्यक्ति सम्मान योग्य हैं, क्योंकि सनातन को साधु संत ही बचा करके रखे हुए हैं, अन्यथा साधु संतों के अलावा सनातन को कोई आगे नहीं लेके जा रहा। हम लोग उनके मार्ग पर चल रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और सनातन को हर घर पहुँचा रहे हैं। स्टालिन ने कहा है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म कीड़ा मकोड़ा कोरोना वायरस। अरे तो कीड़ा मकोड़ा के भांति तो वो लोग हैं ना, तब ऐसी बातों का प्रयोग कर रहे हैं। हम तो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो सनातन का अगर अपमान कर रहे हैं तो आने वाले समय में उनका 100 करोड़ की ये जनता है जो सनातनी ना, ये हर्ष दिखाएगा उनका और उनको औकात पे ले आएगा। अदर कॉम पे सवाल उठाती है तो पूरा विश्व खड़ा हो जाता है। यही तो दिक्कत है ना, नूपुर शर्मा जी ने आवाज उठाया था तो सैकड़ों जगह से आवाज उठ गया था, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनका खतना किया जाए, क्या क्या नहीं इनको बोला गया था। लेकिन आज नूपुर शर्मा शांत हैं, और एम के स्टालिन के बेटा अभी भी कहते हैं कि हम अपने वचन पे अडिग रहेंगे। तो ये जानबूझ करके हुआ, ये प्रोपोगेंडा के तरह ये किया जा रहा है खेल, कि हम लोग सनातन का कैसे उपहास करें, और एक टीम लॉजी काम किया जा रहा है। पावरफुल ए राजा जी, हाँ उन्होंने कहा, हाँ सुनिए ना, इंडिया गठबंधन का जन्म है, उनका खुद जन्म अभी लिया है ना, आज से 7000 करोड़ वर्ष पहले वाला कोई माइकलाल पैदा लिया धरती पर सनातन को खत्म कर देगा। 7000 करोड़ वर्ष पहले ये लोग कहाँ थे, आज इतना हजार पुराना है सनातन धर्म, इसको खत्म कर देगा, ये लोग करोड़ों वर्ष पुराना है, कोई माइकलाल पैदा नहीं लिया है सनातन, सनातन धर्म को खत्म करने की जो बात करते हैं ना, बहुत जल्द मिट्टी में मिलने वाले हैं, देख लीजिएगा। 70 साल की तो अपनी आयु होती है, तुम सनातन को क्या मिटाओगे जो 7000 वर्षों से पुराना है, तुम खुद मिट्टी में मिल जाओगे, और आज नहीं तो कल तुम सनातन को तोड़ने का प्रयास है। वो लोग जान रहे हैं कि सनातन लोग मजबूत हो रहे हैं और भाजपा को सपोर्ट करते हैं, और तू जो राम का बात करेगा उसका समर्थन नहीं करेंगे तो जैसे कंस के जैसे लोग बैठे हुए उनको हम सपोर्ट करेंगे। जो राम का सम्मान करेगा, कृष्ण का सम्मान करेगा, परशुराम का सम्मान करेगा, उसके पास सब कोई जाएगा, उसका सब कोई सम्मान करेगा। और रामनवमी जब निकलता है तो ये भाजपा की देन है, जो बिहार में इतना रामनवमी शोभा यात्रा निकाल जाता है, तो सम्मान क्यों नहीं करेगा, सनातनी क्यों नहीं एकजुट होगा, सनातनी छिन्न भिन्न रहेगा और तुम जातिवाद का वोट बैंक बनाओगे, ऐसा नहीं होगा। सनातनी एकजुट हो रहे हैं और सनातनी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 24 और 25 में दिखाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, जो सम्मान कर ही नहीं रहा है, जो टीकाधारी करने वाले का अपमान कर रहा है, आप मंदिर चलिए तो सम्मान हो जाएगा, वो तो एक दिखावा है कि हम देखिए हम मंदिर जा रहे हैं, सम्मान आपका कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मन में तो कुछ और है, मन में राम, बगल में छुरी, पलखत पाई, तमूरी ममूरी, वही वाला हाल बैठा हुआ है ये लोग के हृदय में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये राम के वंशज हैं, यहाँ राम के शिष्य हैं, यहाँ गरजेंगे तो बारिश भी होगा, वैसे लोगों का सर्वनाश भी हो सकता है। नगेश जी, आप हनुमान चालीसा बांट रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग लेते भी होंगे, जेब में डालते होंगे और घर पर लेकर तखा पर रख देते होंगे, तो फिर फर्क हमें नहीं पड़ता है, फर्क हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो अपना क्या कर्तव्य निभा रहे हैं वो जाने, तब तो वो अपने बच्चे को भी क्या संदेश देंगे वो जानेंगे। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम लोग कर्म पे भरोसा करते हैं, माँ बाप बाल बच्चा के जन्म देता है, फिर वृद्धाश्रम में जाके ये पर्स में भी रखे हुए हनुमान चालीसा, अब बताइए एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ऐसे भी लोग हैं जो पर्स में भी रखे हुए हैं तो हनुमान जी को हृदय में बसाए हुए। हिंदुओं की मानसिकता कैसे बदली जाएगी? बदलेगी ना, हम और आप मिलकर बदलेंगे। आज इतना हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं, बदलने के लिए कर रहे हैं। जात पात से ऊपर उठिए और सबको हृदय से सम्मान दीजिए, एक दूसरे के साथ खाइए, और ऐसा मत होने दीजिए कि हम आपसे अलग हैं, एकदम सनातन मजबूत रहेगा और जय जयकार रहेगा। जय सनातन धर्मायना, सनातन धर्म की जय हो, अधर्मियों का नाश हो जाएगा, इस कलयुग में नाश होगा।